जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। तो कल का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था कि वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है। उसके पीछे हमने ये डिसाइड किया था कि व्हाट टू डू पहले डिसाइड होगा। तो ये आउटकम आया था कि व्हाट टू डू सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमारे आएगा, जिसके बेस पर हम अपनी लर्निंग यानी कि हाउ टू डू को, स्किल को वहां पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में ये वीडियो है। अगर प्रीवियस वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन सेक्शन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यू एजुकेशन की गाइडलाइन क्या होगी, इसका कंटेंट क्या होगा और इसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे कंटेंट को हम रिसीव करके इसको इसके ऊपर एनालिसिस हम करेंगे। तो वैल्यू एजुकेशन की जो गाइडलाइन है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल का। तो स्टूडेंट के सामने या जो भी वैल्यू एजुकेशन को रिसीव कर रहे हैं तो उनके सामने जो कंटेंट जाना होता है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। व्हाट एवर इज स्टडीड एज वैल्यू एजुकेशन नीड टू बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग एंड टू बी ट्रू एट ऑल टाइम एंड ऑल प्लेसेस। कहने मतलब क्या है कि धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए कंटेंट एक जैसा ही होगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन सेक्स, क्रीड, नेशनैलिटी, रेस, जेंडर, ETC। उन सबके लिए ऐसा कंटेंट जो यूनिवर्सल हो, सबके लिए एक जैसा ही हो, सबके ऊपर एक जैसा ही लागू हो, ठीक है। तो जो गाइडलाइन है वैल्यू एजुकेशन की, ये पहली गाइडलाइन है यूनिवर्सल होने का। दूसरा है रैशनल होने का। तो इट हैज टू बी अमेनेबल टू लॉजिकल रीजनिंग। तो ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि जिसको लॉजिक लगा करके हम देख सकें, समझ सकें, ऑब्जर्व कर सकें और अपना क्रिटिकल एनालिसिस है ना दूसरों के सामने भी रख सकें और अपने लिए भी उसको अप्लाई कर सकें। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ब्लाइंड बिलीव्स। क्या मतलब है इसका कि अभी आज के दिन में क्या है कि इंसान ब्लाइंड सिस्टम पे ज्यादा काम करता है, यानी कि दूसरों को देखा, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके लगा नहीं यही ठीक है, तो मान्यता के वसीभूत होकर के वो अपने लगभग अपने जीवन के सारे डिसीजन लेता है। तो ऐसा नहीं होगा, इसमें लॉजिक है, एमिनेबल है, जिसको हम क्रॉस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इतना स्कोप है इसमें वैल्यू एजुकेशन में। तीसरा देखें तो तीसरा है वेरीफाइबल। बहुत अच्छी बात है ये कि द स्टूडेंट शुड बी एबल टू वेरीफाई द वैल्यूज बाय चेकिंग विद वंस ओन एक्सपीरियंस। तो जो भी वैल्यूज से रिलेटेड यहां पर कंटेंट दिया जाएगा वो वेरीफाइबल है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन करके आप इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, जिसके बेस पर कुछ चीजें हैं जो आपके रूप में दिखेंगी आगे आने वाले वीडियोस में। हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वैल्यू एजुकेशन को रिसीव करके आउटकम आते हैं। तो अभी देखें तो जैसे म्यूचुअल हैप्पीनेस है और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी है, जब इंसान इंसान के साथ एसोसिएट होता है, व्यवहार को इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप में, तो वहां पर जो आउटकम एक्सपेक्टेड होता है वो म्यूचुअल हैप्पीनेस का होता है। और अगर इंसान का रिलेशन रेस्ट ऑफ नेचर के साथ होता है तो वहां पर आउटकम जो एक्सपेक्टेड होता है वो म्यूचुअल एनरिचमेंट का होता है, ठीक है ना। तो ये कंटेंट वेरीफाइबल भी है, रेशनल भी है, यूनिवर्सल भी है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इट्स लीडिंग टू हार्मनी, है ना। अगर ये कंटेंट हम रिसीव करते हैं और इस पे हमारा जीना स्टार्ट हो जाता है तो ये हमारे अपने जीवन को संगीतमय व्यवस्था में बदलने की पोटेंशियल रखता है, ठीक है ना। वैल्यूज हैज टू एनेबल अस टू लिव इन पीस। पीस क्या है? शांति, हिंदी में शांति बोलते हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर ये जो शांति है वो जब तभी आएगी जब हैप्पीनेस हमारी क्लियर होगी, क्योंकि हैप्पीनेस के ऊपर की जो ऊपर का जो पैरामीटर है वो पीस से रिलेटेड जो थॉट प्रोसेस में होगा, आगे हम इन सब चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वैल्यू हैज टू एनेबल अस टू लिव इन पीस एंड हार्मनी विद इन अवर ओन सेल्फ एज वेल एज विद अदर्स। तो मैं ही अकेले, अगर ये हार्मनी इंश्योर होगी, मेरे में होगी, तो ऐसा नहीं कि केवल मेरे में ही रहेगा, ये स्प्रेड होगा आउटर, बाहर की ओर निकलेगा और दूसरे भी इन सब चीजों से लाभान्वित होंगे, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग एंड रेस्ट ऑफ नेचर, दोनों के साथ ये हमें तालमेल देखने को मिलेगा। तो ये है बेसिक गाइडलाइन वैल्यू एजुकेशन की, जो कि यूनिवर्सल है, रैशनल है, वेरीफाइबल है और लीडिंग टू हार्मनी है। आइए अब समझते हैं हम कंटेंट क्या होगा वैल्यू एजुकेशन का। तो वैल्यू एजुकेशन का जो कंटेंट होगा वो होलिस्टिक इन नेचर है और ये
समग्र यानी कि सबको जोड़ करके चलेगा, ऑल इनकम्पासिंग है। अब ये कवर क्या क्या चीज करता है, कवर ऑल फोर डायमेंशन एज एन इंडिविजुअल। अकेले होने के आधार पर आप ये देखिए कि मनुष्य अपने जीवन में कार्य करता है, व्यवहार करता है, क्या इसके अलावा भी और कोई चीज है कि जो वो एस्टेब्लिश करता है। ये कार्य और व्यवहार के पीछे हमारा अपना थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस अपना चलता है और उसमें हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो ये दो पैरामीटर और आके जुड़ जाते हैं, थॉट और अंडरस्टैंडिंग। जैसे इन थॉट हम अपने थॉट में देखें तो वी वांट टू हैव क्लैरिटी, किस चीज की क्लैरिटी हमें अपने थॉट लेवल पे चाहिए, अ स्टेट ऑफ रेजोल्यूशन, है ना, समाधान का एक स्टेट चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, हमें हर प्रश्न का उत्तर चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब है क्या कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंसता हूं तो मैं दूसरों के पास जाता हूं। दूसरों के पास क्यों जाता हूं, क्योंकि मैंने मान रखा है कि दूसरा व्यक्ति इस परेशानी से हो सकता हो कि पहले गुजर चुका हो और उसको आइडिया हो कि इससे कैसे निकला जाए, ठीक। लेकिन अब सामने वाला व्यक्ति जिस परेशानी में था उससे वो निकला, वो उसकी परेशानी थी और उसने उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपना प्रोग्राम इंश्योर किया, तो हो सकता हो कि प्रॉब्लम आपके साथ भी वैसी ही हो लेकिन प्रोग्राम आपका कुछ और बने। लेकिन आप दूसरे के प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हो और प्रॉब्लम से जब सलूशन में नहीं पहुंच पाते हैं तो इंसान क्या करता है, एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए दूसरी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अब ये जो कंडीशन होती है ये कंफ्यूजन की स्टेट होती है, जो कि इंसान कभी नहीं चाहता। तो कंटेंट जो होगा वैल्यू एजुकेशन का, उसमें कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं है। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आपके पास समझ है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये यूनिवर्सल इन नेचर है, रैशनल है, लॉजिकल है और लीडिंग टू हार्मनी है। तो यहां पे हमें कंफ्यूजन की स्टेट में नहीं पहुंचना है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से देखेंगे तो ये कवर कर रहा है ऑल लेवल एज ए सोसाइटी। तो सोसाइटी के लेवल पे देखेंगे तो चारों डायमेंशंस को कवर करता है। जैसे मैं हूं तो मैं एज ए इंडिविजुअल हूं, आप हैं, आप भी एज ए इंडिविजुअल हैं, ठीक है। तो आप एज ए इंडिविजुअल हैं और कई इंडिविजुअल एक ही जगह पर हैं और उनके बीच में क्या है कि संबंध है, हमें संबंध बनाने नहीं होते, संबंध पहले से ही बाय डिफॉल्ट है। मैं धरती पे नहीं था तो भी माता पिता, पिता पुत्र, है ना, माता पुत्र, पिता पुत्री, है ना, इस टाइप के जो संबंध हैं वो पहले से भी थे। जब मैं मेरा शरीर नहीं रहेगा तो भी ये संबंध रहेंगे, मैं हूं तो भी ये संबंध है। तो इसका मतलब क्या है कि इंसान संबंध बनाता नहीं है, संबंध बाय डिफॉल्ट वो पैदा होते ही लेकर के आता है, ठीक है। उसे केवल पहचानना होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें फुलफिलमेंट करना होता है। तो रिकॉग्नाइजेशन और फुलफिलमेंट इज द बेसिक नीड, है ना। अभी आज के दिन में क्या है कि इंसान रिकॉग्नाइज तो कर रहा, फुलफिल भी कर रहा है, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन और फुलफिलमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप है जो कि इंसान उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है और अकॉर्डिंगली हार्मनी के सेंस में जीना उसका नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल है तो अगर प्रॉब्लम इंडिविजुअल के लेवल पे है तो हार्मनी इन इंडिविजुअल हमें समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम अगर फैमिली के लेवल पर है तो हार्मनी इन फैमिली को हमें समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम अगर सोसाइटी के लेवल पे है तो हार्मनी इन सोसाइटी कैसे इस्टेब्लिश हो उसको हमें समझना पड़ेगा। और प्रकृति और अस्तित्व में अगर समस्या दिख रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। तो एज अ फैमिली सोसाइटी वी वॉन्ट फियरलेसनेस। आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये, हर इंसान चाहता है कि मेरा ऐसा समाज हो कि जहां पर अभय की प्राप्ति हो, है ना। अभय का मतलब क्या है, फियरलेसनेस। अभी आज के दिन में क्या कंडीशन है कि रोज मेरा बच्चा शाम को 7 बजे तक घर आ जाता था और आज नहीं आया, तो आप खुद देखिए कि हमारे अपने मन में कौन से विचार पनपते हैं, है ना। अगर विचार हार्मनी के सेंस में पनप रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी का जो स्वरूप है वो बहुत अच्छा है। और अगर हार्मनी के सेंस में विचार मेरे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे समाज में अभी भी फियरलेसनेस नहीं है, वहां फियर फैक्टर लाई कर रहा है ना। अब ये जो बेस बनता है, ये बेस बनता है ट्रस्ट के नाम से, विश्वास के नाम से। एक बात को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ट्रस्ट में और बिलीव में काफी गैप होता है। जब हम हार्मनी इन फैमिली के ऊपर डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये बहुत ही क्लियर होगा ट्रस्ट के बारे में। अगर आपने ट्रस्ट को नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो एक बार इसकी वीडियो जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट होता क्या है, कैसे बिल्टअप होता है और कैसे हमारे जीवन को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे लेकर के जाता है, ठीक है ना। तो फियर हमें नहीं चाहिए,
अब ये जो फियर क्रिएट होता है वो कुछ कारणों की वजह से होता है, जैसे अपोजिशन हो गया, जिसके साथ हम संबंध के रूप में हैं वो उसको संबंधी के रूप में जब हमारे सेल्फ के लेवल पे पहचानना नहीं हो पाता है तो हम अपोजिशन में चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कब अपोजिशन में चले गए। अब यही अपोजिशन जब लगातार काफी समय तक होता रहता है तो इंसान ट्रस्ट से मिसट्रस्ट की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कंटेंट हमारा वैल्यू एजुकेशन का, जिसमें हम हार्मनी इन इंडिविजुअल, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, ये सारे पैरामीटर हम इसमें कंसीडर करेंगे। प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन में अभी जैसे हमने बात की थी कि कंटेंट जो होगा वो यूनिवर्सल होगा, रैशनल होगा, है ना, लीडिंग टू हार्मनी होगा और वेरीफाइबल होगा। अब इसमें यूनिवर्सल के लेवल पे देखेंगे तो क्या है कि ये जो कंटेंट है ये ऑल टाइम, ऑल प्लेसेस, ऑल इंडिविजुअल, यानी कि सबके लिए एक जैसा ही है। रैशनल है तो इसका मतलब क्या है कि इसको, कंटेंट को समझने के लिए कोई भी व्यक्ति, है ना, इसमें लॉजिक लगा सकता है। तो तीसरा है जैसे नेचुरल, नेचुरल का मतलब क्या है कि नेचुरली एक्सेप्टेबल टू ह्यूमन बींग, ये ऐसा कंटेंट है कि बहुत ही ईजी वे में समझा जा सकता है, बहुत ही ईजी वे में ये एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, एंड देयर इज प्रोविजन इन नेचर फॉर इट्स फुलफिलमेंट, और हमारे प्रकृति में इसके फुलफिलमेंट होने का पूरा हिसाब किताब है। जैसे हमने बताया वेरीफाइबल है थ्रू वंस ओन नेचुरल एक्सेप्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वभाव बोलते हैं। स्वभाव का मतलब क्या है, स्व प्लस भाव, स्व का मतलब क्या होता है स्वयं, भाव का मतलब होता है फीलिंग, तो ऐसी फीलिंग जो मुझे ठीक लगती है। अब वो ऐसी कौन सी फीलिंग हो सकती है, क्या गुस्सा आपके लिए नेचुरली एक्सेप्टेड हो सकता है? आप गुस्सा होते होंगे तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1 महीना, लेकिन ये ऐसी फीलिंग है कि आप इसको 24x7 इंटू मल्टीप्लाइड बाई अवर लाइफ, है ना, हम लगातार इसको कैरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गुस्से में साम्य ऊर्जा नहीं है, है ना, गुस्से में आवेशित ऊर्जा है और आवेशित ऊर्जा बहुत जल्दी क्षीण होती है, बहुत जल्दी खत्म होती है। ठीक है, अब हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है, जैसे आप खुद ऑब्जर्व करिए कि संबंध में रहना महत्वपूर्ण है या फिर विरोध में रहना महत्वपूर्ण है, तो आंसर अपने आप आएगा। शरीर को नर्चर करना है या फिर वॉर्सन करना है, शरीर का शोषण जरूरी है या फिर पोषण जरूरी है, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, तो ये उस टाइप के नेचुरल एक्सेप्टेंस की मैं बात कर रहा हूं जो इंसान के स्वभाव के अनुसार आ जाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरा बच्चा तो बहुत गुस्साहल है, इसका बहुत गुस्साहल स्वभाव है। वो स्वभाव नहीं है, वो टेंडेंसी है ना, वो टेंडेंसी है, वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या होता है कि जो हमेशा के लिए कैरी किया जा सके, है ना, जैसे सम्मान ठीक लगता है या अपमान ठीक लगता है, तो आंसर अपने आप आएगा सम्मान ठीक लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि सम्मान नेचुरली एक्सेप्टेड है। अब वो चाहे इंडिया का व्यक्ति हो, चाहे पाकिस्तान का व्यक्ति हो, या फिर यूएस का व्यक्ति हो, चाहे जापान का व्यक्ति हो, कहीं का भी हो, वो सबके लिए एक जैसा ही है। समय के अनुसार देखेंगे तो चाहे वो 1947 की बात कर ले या फिर अभी की बात कर ले या फिर आने वाले समय में 2050 जब होगा तब देखेंगे, तो उस समय भी अगर देखेंगे तो ये जो कंटेंट है ये वेरी नहीं करने वाला, समय के अनुसार नहीं बदलेगा, प्लेस के अनुसार नहीं बदलेगा और इंसान के अनुसार भी नहीं बदलेगा। तो इसको बहुत ही इजी वे में वेरीफाई किया जा सकता है। ऑल इनकम्पासिंग, सब कुछ जोड़ के चलता है, कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान जहां जहां होता है, जहां जहां होता है वहां वहां के सारे डायमेंशंस को ये कवर करता है, और लीडिंग टू हार्मनी अमंग ह्यूमन बीइंग विद एंड विद नेचर, है ना। तो ये कंटेंट से जो हार्मनी इंश्योर होगी वो इंडिविजुअल के लेवल पर होगी, इंडिविजुअल से फैमिली के लेवल पर होगी, क्योंकि इंसान का जो होना होता है, मुझे तो 4 डायमेंशंस में दिखा, आप भी ऑब्जर्व करिए क्या यही 4 डायमेंशन है या फिर इन 4 डायमेंशंस के अलावा भी कोई डायमेंशन है। ठीक, तो लीडिंग टू हार्मनी। अब ये जो प्रोसेस यहाँ पे निकल के आया है ये बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ MHRD। MHRD का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो ये वहां से निकल के आया है। अब देखते हैं वैल्यू एजुकेशन और मोरल एजुकेशन के बीच का अंतर। तो वैल्यू एजुकेशन और मोरल एजुकेशन के बीच का जो अंतर है वो रिप्रेजेंट करता है डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट को। मतलब क्या है इसका कि मोरल जो एजुकेशन होती है वो डूज और डोंट की टर्मिनोलॉजी में होती है, कि आपको ये करना है वहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको ये नहीं करना है वहां पे भी दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि मोरल वैल्यू है।
ये बता दिया गया कि सदैव सच बोलिए, लेकिन क्यों बोलना है सच ये पता नहीं है, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए पता नहीं है, बस करना है। तो मोरल वैल्यू में डूज एंड डोंट हैं, प्री कंडीशनिंग के बेस पर हैं, एजम्पशंस के बेस पर हैं। एक्सटर्नली मोटिवेटेड, ये बाहर से मोटिवेट करने का माध्यम है, कंडीशनल है। ठीक, आप लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे, तो मोटिवेशनल वीडियो देख करके खुद आप ऑब्जर्व करिए कब आपने देखा था और उसका इम्पैक्ट कितने लंबे समय तक था। अब यहां पर क्या है, परतंत्रता है, ठीक है ना। परतंत्रता का मतलब क्या है, पर तंत्र और ता, पर का मतलब दूसरा, तंत्र मतलब उनके जो तंत्र है, और ता मतलब होता है व्यवस्था, दूसरे की व्यवस्था को अपनी व्यवस्था में लाना, यही हुआ क्या परतंत्रता। वैल्यू एजुकेशन के लेवल पे क्या है कि जो भी चीज कही जाती है, यहाँ पे एक प्रपोजल है, ना तो यहाँ पे मैं उपदेश दे रहा हूँ, ना तो मैं यहाँ पे आदेश दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक प्रपोजल रख रहा हूँ, और प्रपोजल में इतना स्कोप होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपना इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, अपने विचारों को उसमें लगा सकता है, और ये जान सकता है कि ये प्रपोजल से आउटकम क्या आ सकता है, ठीक है ना। डूज एंड डोंट में इतना अलाउबल नहीं होता है, लेकिन वैल्यू एजुकेशन में इतना अलाउबल है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात रखी जाती है वो प्रपोजल के माध्यम से रखी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर यही प्रपोजल का माध्यम हम अपने पर डे की लाइफ में लेके आ जाए तो हमारा जीना भी बहुत आसान हो जाता है, और ये सेल्फ वेरिफिकेशन है, इसका जो है सेल्फ वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं हम। अंडरस्टैंडिंग और नोइंग, यहाँ पर जो भी बात होती है वो हमारे समझ के आधार पर और जानने के आधार पर होती है, मानने के आधार पर नहीं होती है, प्री कंडीशनिंग के बेस पर नहीं होती है। और जहाँ मोरल वैल्यू में हम बाहरी दुनिया से मोटिवेट होने का कॉन्सेप्ट खोजते हैं, वैल्यू एजुकेशन के थ्रू हमें सेल्फ मोटिवेशन देखने को मिलता है कि मैं ये टास्क परफॉर्म करूँ तो क्यों करूँ, मुझे उसका कारण पता है। अभी क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति हमें दिखाता है, अधिकतर क्या होता है काम कराने का तरीका ये है, लालच और भय, दो तरीके होते हैं, एक तरफ लालच दिया जाता है, दूसरी तरफ भय दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है इंसान काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब काम करने की बात होती है तो इंसान जब खुद मोटिवेटेड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, तो वो अनकंडीशनल उस काम को करने के लिए तत्पर रहता है, उस कार्य को करता है, और सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज हमें यहाँ पे दिखाई देती है, और स्वयं के तंत्र की व्यवस्था हम खुद यहाँ पर बना सकते हैं। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के यात्रा में मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं जो भी कहूँगा वो आपके लिए सिर्फ एक प्रपोजल है, डोंट अज्यूम इट टू बी ट्रू और फॉल्स, ना तो इसको आप सही मानिए और ना ही इसको गलत मानिए, इसको आप अपने खुद के अधिकार पर इसको वेरीफाई करिए। अब ये जो आपका अधिकार है ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, है ना, जो आपकी सहज स्वीकृति है उसके अनुसार इसको जो है आप वेरीफाई करिए। तो यहाँ पर जो भी बात मैं रखूँगा वो एक डायलॉग के फॉर्म में होगा, और ये जो डायलॉग है, जो कन्वर्सेशन है हमारा, मेरे और आपके बीच में है। अभी स्टार्टिंग अगर देखेंगे तो हमारे और आपके बीच स्टार्ट हो रहा है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, जब आप इस कंटेंट को कंप्लीट कर लेंगे तो धीरे धीरे ये आपको दिखेगा कि ये जो डायलॉग्स हैं ये आपको अपने विद इन ही दिखने लगेगा कि ये जो कन्वर्सेशन मेरी बाहरी दुनिया में हो रही थी अब वो कन्वर्सेशन मुझे अपने अंदर भी दिखने लगेगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ वेरिफिकेशन एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। तो समझ किसके आधार पर, सेल्फ वेरिफिकेशन के आधार पर, जिसको एक्सपीरियंस किया जा सके और जिसको वैलिडेट किया जा सके। वट एवर इज सेट इज अ प्रपोजल, जो भी कहा जा रहा है वो आपके लिए प्रपोजल है, ना तो ऑर्डर दे रहा हूँ ना मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, उसको आप अपने अधिकार पे वेरीफाई कर सकते हैं। आपका अधिकार वही है जो सबके लिए है, धरती पर रहने वाले हर एक इंसान के लिए है, जिसको हमने नेचुरल एक्सेप्टेंस एक नाम दिया है। आगे चल के इसको हम काफी डिटेल में समझेंगे कि नेचुरल एक्सेप्टेंस नाम की चीज है क्या। द प्रपोजल इज टू बी एक्सप्लोर्ड विद इन वन सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ ओन नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ वंस ओन वेरिफिकेशन इन लिविंग। तो यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसको एक्सप्लोर करना है, सबसे पहले तो उसको वेरीफाई करना होगा हमें अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के बिहाफ पर। वेरीफाई करने के बाद में उसमें जीना होगा, जीने के आधार पर जो आउटकम निकलेगा उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में अगर वो म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आती है
तो इसका मतलब जो प्रपोजल यहाँ पे आएगा वो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक होगा। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेल्फ वेरिफिकेशन एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन दैट लीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ये हमारे समझ के विकास में काफी हेल्प करेगा। इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एज्यूमिंग थिंग्स डूज एंड डोंट एज गिवन, है ना, तो जो भी चीज यहाँ पे बताई जाएगी उसको एज्यूम बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए इसको हम समअप कर लेते हैं, इसमें था क्या, तो नीड टू हैव द क्लैरिटी अबाउट करना क्या है, व्हाट टू डू, यानी कि ह्यूमन गोल, हमें अपने ह्यूमन गोल को पहचानना होगा, हमारा पर्पस क्या है, वी नीड टू नो व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग, हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हाउ टू डू ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट टू डू क्लियर है तो उसको पूरा करने के लिए प्रोग्राम बनाना होता है, प्रोग्राम को फुलफिल करने के लिए स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कौन सा स्किल सेट मेरे लिए ठीक पड़ेगा। फिर दूसरा टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का भी इम्प्लीमेंटेशन होगा कि जिससे मेरा जो लक्ष्य बना हुआ है मैं उसको फुलफिल कर पाऊँ। तो यहाँ के जो गाइडलाइन, अभी हमने 6 गाइडलाइन देखी थी, उन 6 गाइडलाइन में जो 2 पॉइंट है नेचुरल और वेरीफाइबल, ये हमारे पूरे कंटेंट के प्रोसेस होंगे, और ऑल इनकम्पासिंग जो 5वां पॉइंट था ये हमारे वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट बनेगा। इस कंटेंट में हम 4 व्यवस्थाओं के ऊपर बात करेंगे, 4 स्तर की बात करेंगे, पहला इंडिविजुअल, दूसरा फैमिली, तीसरा सोसाइटी, चौथा नेचर एंड एग्जिस्टेंस। तो आज के वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही, इसके बाद जो वीडियो आएगा, जो कंटेंट आएगा, उसमें हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल में हार्मनी कैसे इंश्योर हो, उसके क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, इसके ऊपर हमारी पूरी चर्चा रहेगी। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, अगर मैं वीडियो कोई अपलोड करूं तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। धन्यवाद।